नाउ फ्रेंड्स वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। सो फील एट होम और एक सिंपल सी आइडेंटिटी हम रेडिकल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और एग्जांपल के साथ। चलो जी, तो ये है सिंपल सी आइडेंटिटी। पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी। ये पार्ट टू चला रहा हूं। रूट के अंदर एन एक्स इंटू रूट के अंदर दूसरा क्या है भैया, एन, यस एन ये भी है और ये वाई। तो सिंगल वाला तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 1 अपॉन n आपने लास्ट में देखा था, और y रेज़ टू पावर 1 अपॉन n। आप यहां आपको पता पड़ गया 1 अपॉन n, दोनों n ही है भैया, n समझिएगा। अब ये कुछ है मल्टीप्लाई में, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है, बेस अलग है, पावर सेम है। इस केस में हम आपको याद दिलाते हैं एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी, जो कि एक्सरसाइज 1.6 में हमने डिस्कस किया था, a रेज़ टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर एन वाला। तो ए बी होल पावर एन, एम यार गलत लिख दिया, एन तो एन हुआ करता था, ठीक है ना। सेम सिचुएशन यहाँ पे, तो एक्स इंटू वाई होल पावर वन अपॉन एन हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं कहोगे सर क्या, आप फटाफट आइडेंटिटी करा के निकल जाते हैं। तो चलो जी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल लिया हमने, सपोज लिया ये लीजिए 2 5 इंटू 2 अंदर ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर 1 बाय 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 बाय 2। देखिए बेस सेम है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो ये आइडेंटिटी हमारी काम की है। सेम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं, लाइक दिस। ओके, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करें, इसको दोनों के साथ होल पावर लगा दें और ये हो गया 15 रेज टू पावर 1 बाय 2, या फिर इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, ये भी सही है। ओके, सो ये बिल्कुल सिंपल सी आइडेंटिटी है। और कोई एक क्वेश्चन लेना तो एक और ले लो यार, एक से घबरा रहे हो, कोई टेंशन नहीं। वन मोर क्वेश्चन मेरे पास है, ये लीजिए 4 3 इंटू ये भी 4 है, यस 4 27, ये लो सोल्व करते हैं। 3 रेज टू पावर 1 बाय 4 इंटू 27 रेज टू पावर 1 बाय 4, ठीक है जी। तो क्या करना है, 3 इंटू 27 होल पावर 1 बाय 4। अच्छा वापस देखना, 27 को मैं क्या लिखता हूँ, 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3, ये लीजिए 1 बाय 4। इसे ध्यान से देखो, एक आइडेंटिटी याद आ रही है मुझे, कौन सी याद आ रही है, आपको भी याद आ रही होगी, कौन सी, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। पावर्स अलग अलग हो बट बेस सेम हो तो पावर्स एड हो जाते हैं, तो उस केस में इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 क्या हो जाएगा 4 और 1 बाय 4। अब यहां देखो, इसको देख के वापस मुझे एक आइडेंटिटी याद आती है, a रेज टू पावर m होल पावर n हो तो क्या हो जाता है, ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इस केस के अकॉर्डिंग 3 इंटू 1 बाई 4 करो, इससे ये कैंसिल हो गया, फाइनली आ गया आपका 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, आई एम श्योर कहीं कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके बताइए, और अगर क्वेश्चंस नहीं मिलते तो हमें बताइए, हम क्वेश्चंस अलग से आपको दे देंगे। ओके, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर में अगली आइडेंटिटी के साथ वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।